बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। अभी तक हमने पिछले 6 लेक्चर्स में जो मेन चीज स्टडी किया वो बेसिक्स को ही स्टडी किया, जिसमें ये हमने देखा है कि गूगल क्या है, ये सर्च इंजन क्या है, ये कैसे वर्क करता है। या फिर हमने थोड़ा सा कुछ बेसिक टूल्स को स्टडी किया, जिसमें हमने गूगल ट्रेंड को स्टडी किया, गूगल कीवर्ड एवरीवेयर को स्टडी किया। सॉरी, हमने ये देखा कि कीवर्ड क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, किस किस टाइप्स के होते हैं और किस तरह के कीवर्ड्स को कहाँ पे यूज करना है। ये सारी चीजें हमने देखी, किस तरह के कीवर्ड्स के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड करते हैं। आज हम बेसिकली एसईओ के बारे में स्टडी करेंगे कि एसईओ क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, और साथ में हम कुछ टूल्स की एडिशन करेंगे, जिसमें हम वो कुछ एक्सटेंशन या टूल्स को स्टडी करेंगे जो हमारे कल वाला जो लेक्चर है नीच रिसर्च, उसमें वो यूज होंगे। बेसिकली आज हम थोड़ा सा एसईओ का इंट्रोडक्शन देखेंगे, एसईओ की टाइप्स देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि इन टाइप्स को हमने कहाँ कहाँ यूटिलाइज करना है, और इन सब के लिए हमें कीवर्ड की क्या जरूरत है, और किस किस टाइप में कहाँ कहाँ पे हमें कीवर्ड्स की जरूरत पड़ती है। फिर अब हमने ये देखना है कि हमें अगर नीच रिसर्च करनी है, अपना टॉपिक फाइंड करना है, तो हमें बेसिकली कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी। फिर हम उन तमाम टूल्स को आज इंस्टॉल करेंगे, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने की भी कोशिश करेंगे, ताकि फिर कल उन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नीच रिसर्च को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें। कल का लेक्चर और परसों का लेक्चर होपफुली नीच रिसर्च के ऊपर ही होगा। इस वीक हमारी नीच रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, और इस वीक में ही मैं कल के लेक्चर में आप लोगों को एक असाइनमेंट दे दूंगा नीच रिसर्च के बारे में। एक हफ्ते का टाइम होगा, वो आपने अपनी नीच रिसर्च फाइंड करनी है, फाइनल करनी है, मुझसे डिस्कस करनी है, उसको सबमिट करने का एक स्पेसिफिक तरीका होगा, वो भी मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। उसके बाद जैसे ही नीच हमारी फाइनल होगी, हम वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे इंशाल्लाह आफ्टर द नेक्स्ट वीक, यानी कि विद इन अ वीक और विद इन 2 वीक्स हम इंशाल्लाह अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट और ब्लॉगिंग की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है जी, अगर पिछले किसी लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। जी मैंने अनम्यूट कर दिया जिन्होंने हैंड रेस किए हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, सर मेरे कुछ क्वेश्चंस थे पिछले टॉपिक्स के रिलेटेड। जी जी। सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन था सर कि जैसे हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो उसका ट्रेंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वॉल्यूम तो आ रहा है लेकिन उसका ट्रेंड गूगल ट्रेंड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसकी क्या वजह है सर? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा कीवर्ड है, मैं अभी आपको करके दिखा देता हूं, आप कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे होंगे। ओके एक मिनट मैं आपको दिखा बताता हूँ सर, एक मिनट सिर्फ एक मिनट मिलिए। जी सर एक कीवर्ड है यहाँ पर, मोबाइल फोन शॉप रिपेयर्स, इंडिया इंडिया टारगेट किया हुआ है सर। मोबाइल फोन फोन शॉप रिपेयर्स, शॉप रिपेयर्स नहीं होता यार, इसके तो इंटेंट ही बदल के रख दिया यार। रिपेयरिंग शॉप होगा ना, शॉप रिपेयर थोड़ी करना है। आपने मोबाइल फोन रिपेयर करना है या शॉप रिपेयर करना है? असल में सर वो कीवर्ड निकाला था ना इस तरह, मतलब कि सर्च बेस में था। अच्छा और भी कुछ कीवर्ड्स हैं सर? ये एग्जिस्ट करते किसी पर्टिकुलर कंट्री में हो सकता है, उसका एग्जिस्ट ना करता हो, वर्ल्ड वाइड ले जाए वो एग्जिस्ट करता होगा। अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में इसके देखें, अब आप सर्च वाले में देखते होंगे ग्लोबल, इसी तरह देख रहे हैं ना, ट्रेंड देख रहे हैं एक कंट्री का। जी तो वहां जाके थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हो सकता है। ओके ओके। और सर और ग्राफ कुछ कीवर्ड्स का, जैसे कि अभी ये ट्रेंड एग्जिस्ट करता है लेकिन आखिर में ग्राफ गिर रहा है ना बहुत, तो उसका मतलब कि इसका ट्रेंड लो हो रहा है? नहीं नहीं मतलब यार, ये आप इस डॉटेड लाइन को ना वो किया करें, कंसिडर किया करें, ये बेसिकली एक प्रेडिक्शन होती है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप इग्नोर करें, बहरहाल इसका ट्रेंड एग्जिस्ट करता है लेकिन मे भी इतना ज्यादा इसका सर्च ट्रेंड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन स्टिल इट डज एग्जिस्ट, तो कोई इशू नहीं। और सर कुछ क्वेश्चन है कि
कि ऊबर सजेस्ट में कुछ कीवर्ड का वॉल्यूम मतलब एक टाइम में बताता है, और अगर अगले दिन में चेक करूँ तो वो चेंज हो जाता है उसका वॉल्यूम ना, कुछ कीवर्ड्स का ना। कोई मिस्टेक कर रहे होंगे, या तो आपने लोकेशन सेट कर ली होगी या कोई और इशू होगा, कहीं ना कहीं कोई ना अच्छा। कोई पैरामीटर आप चेंज कर रहे होंगे। और सर कीवर्ड एवरीवेयर और ऊबर सजेस्ट में ना वॉल्यूम का डिफरेंस भी आ जाता है। 99% कीवर्ड में नहीं आएगा, सिर्फ एक जी दो जी परसेंट केस में आएगा। जब डिफरेंस आए तो आप कीवर्ड एवरीवेयर वाले को प्रेफर दे दीजिएगा। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। थैंक यू सर, ये हाँ, क्वेश्चन। जैसे देखे ना, हम अगर कोई भी डॉट नेल पटेल में, अभी आपको करके भी दिखा देता हूँ ना, कोई भी कीवर्ड मुझे बताएं जिसमें आपको, फॉर एग्जांपल, मैं एडवांटेजेस हम इंटरनेट ही हम एक एग्जांपल ले रहे थे, इधर से भी देख लेते हैं, इधर से भी देख लेते हैं, तो आपको तकरीबन सिमिलर ही नजर आएगा, तकरीबन बहुत कम डिफरेंस हो आएगा, क्योंकि उबर सजेस्ट भी वहीं से डाटा ले रहा है जहां से कीवर्ड एवरीवेयर ले रहा है। ठीक है, आप कीवर्ड एवरीवेयर इसका बता रहा है 49,500। ठीक है, अब अगर मैं उबर सजेस्ट से करूंगा तो वो भी यही बताएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, अब ये काफी स्लो चले, जब वो होगा तो फिर मैं हम देख लेंगे। इसके अलावा कोई ठीक, क्वेश्चन है तो आप पूछें। थैंक यू सर, वही क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज। जी सर मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि LSI कीवर्ड और सजेशन कीवर्ड में क्या डिफरेंस है, और LSI कीवर्ड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए, LSI की तो मैंने बहुत सारी आपको एग्जांपल दे दी थी। ठीक है, अब आप सजेशन कीवर्ड कहते किसे हैं, पहले तो ये बताएं। जो जो गूगल में हम डालते हैं, गूगल सर्च सजेस्ट करता करते है, वक्त आ सर्च जाते हैं ना। इंजन। हाँ, जैसे फॉर जी एग्जांपल आप ये कहें कि जी एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट इन, आगे ये देखना चाहें कि इन ए में एग्रीकल्चर में क्या एडवर्टाइज। अच्छा, ये जो आते हैं ना सजेशन में, ये होते हैं रिलेटेड कीवर्ड ना, ये थोड़े से उसी के वेरिएंट्स होते हैं, कि अगर आप इसी से रिलेटेड आगे कोई नए आर्टिकल्स की तलाश में, अगर आप एडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन एग्रीकल्चर पे पूरा आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका पहले सर्च वॉल्यूम देखेंगे। अगर इसका सर्च वॉल्यूम रीजनेबल है ना, तो हम इसके ऊपर पूरे का पूरा आर्टिकल लिख सकते हैं। जैसे ये देखें, इन्होंने पूरा आर्टिकल इसके ऊपर लिखा, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम मेरी नज़र में बहुत कम है। चूंकि इसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, तो मुझे आई पर्सनली फील कि इसके ऊपर अलग से आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं। सर अभी हम लास्ट में जाएंगे तो तब भी आप नीचे जाएं तो तब भी सजेशन दे रहा होगा वो कीवर्ड्स गूगल। जी, वो यही होते हैं, ये भी वही होते हैं, इसी जो कीवर्ड आपने लिखा ना उसी से रिलेटेड जो कीवर्ड है ना, जैसे देखें हमने एडवांस ऑफ इंटरनेट इन एग्रीकल्चर लिख दिया, इसने 10 बेनिफिट्स ऑफ एग्रीकल्चर लिख दिया, ये टोटली इंटेंट चेंज हो गया, यहाँ तो इंटेंट ही चेंज हो गया ना, बेनिफिट ऑफ स्मार्ट फार्मिंग, अब ये तो एग्रीकल्चर में चला गया ना, हम तो इंटरनेट के एडवांटेजेस देख रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। देखें, अगेन बात वही है कि जब भी आपने कीवर्ड रिसर्च करना है या कुछ भी करना है, तो आपने अपना इंटेंट को 100% जहन में रखना है। इंटेंट, अगर किसी कीवर्ड का इंटेंट सेम है और उसी के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है या उसी की एक्सटेंशन आ जाती है, तो आप उसकी उस आर्टिकल के अंदर टारगेट कर सकते हैं उसे। लेकिन अगर किसी का इंटेंट ही चेंज हो गया, तो वो आर्टिकल ही टोटल डिफरेंट हो जाएगा। जैसे ये देखें ना, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट इन एग्रीकल्चर या एडवांटेजेस ऑफ एग्रीकल्चर, टोटली डिफरेंट चीज है दोनों। हम और एग्रीकल्चर सर के LSI में कीवर्ड हम देखते हैं, फाइंड कैसे कर सकते हैं? ये चीज समझ लग गई है। जी, अब LSI किसे कहते हैं, मैंने एक बड़ा एक लेमैन फार्मूला आपको बता दिया था कि एक ही चीज में से कोई चीज ड्राइव हो रही हो या आगे वो किसी से ड्राइव हुआ, इन दोनों सूरतों में वो LSI कीवर्ड होंगे। जैसे इसको हम मैंने फाइंड बात कैसे कर सकते हैं? फाइंड कैसे, भाई इसका सिर्फ आपने दिमाग से फाइंड करना ना, इसके लिए कोई टूल नहीं है LSI के लिए। ठीक है, ठीक है। LSI के टूल्स तो एग्जिस्ट करते हैं ऑनलाइन, लेकिन वो इतने मेच्योर नहीं है कि आपको एक्यूरेट रिजल्ट दें, तो इसके लिए आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है बस। सही, ठीक हो गया? ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे आप इजीली निकाल लेंगे, बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। ओके ठीक हो गया, जी सर, वॉइस क्लियर है आप लोगों को? जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर किसी का। सलाम वालेकुम सर, कैसे वालेकुम असलाम। जी अकील, सर? एक सवाल ये पूछना था सर, अभी एक भाई ने पूछा कि मतलब जो शॉप के हवाले से क्वेश्चन पूछा, और वो इंडिया का जैसे वो सर्च कर रहे थे, तो अब अगर हम अपने गूगल क्रोम में सेटिंग जाके चेंज कर सकते हैं, अगर हम यूके में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, और मैं जाके देखना चाह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में क्या है इसका वॉल्यूम, तो
तो वो कर कर सकते हैं ऐसे सकते हम, कर सकते कर सकते उसका तरीका कैसा है? बताऊंगा अभी, ये जब टूल्स के सेटिंग बताऊंगा ना उसके अंदर बताऊंगा लोकेशन चेंज करना, ठीक है? अच्छा, उसको लोकेशन चेंज करके फिर हम उस पर्टिकुलर मुल्क की मार्केट, मतलब पर्टिकुलर उसमें चले जाएंगे, वो चीजें हमारे सामने आ रही होंगी फिर। जी 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 कर सकते हैं जी, लेकिन ये इतना एक्यूरेट नहीं होता, मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली अभी थोड़ी देर में। चलो चलो ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलें जी, जो बेसिक क्वेश्चन थे पिछले लेक्चर से वो हो गए हैं, मैंने एक असाइनमेंट दी थी, आई होप वो आप सबने की होगी, अगर नहीं की तो वो एक दो दिन में कंप्लीट कर लें क्योंकि वो आगे आपको यूज में आएगी आपके, ठीक है जी। चलें, सबसे पहले तो ये कि व्हाट इज एसईओ, एसईओ है क्या चीज? देखें, एसईओ जो बेसिकली है ना, वो हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं किस चीज की, अपनी वेबसाइट की, किस चीज के लिए, ताकि हमारी वेबसाइट रैंक हो जाए कहाँ पे, सर्च इंजन में। हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारी वेबसाइट गूगल में टॉप ऑफ द लिस्ट रैंक कर जाए, सिंपल यही एसईओ है। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं सारी चीजें, ये पूरे का पूरा कोर्स ये इसी पर्पज के लिए पढ़ रहे हैं कि हाउ टू रैंक आवर वेबसाइट इन अ सर्च इंजन, के सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को रैंक करना कैसे। अब मेन चीज ये हो जाती है कि एसईओ को हम कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है? एसईओ को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। द वन इज ऑन पेज एसईओ, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपके लिए जरा रीड करना आसान हो जाए। दूसरा आ जाता है इसमें टेक्निकल एसईओ, तीसरा आ जाता है इसमें ऑफ पेज एसईओ। अच्छा, टेक्निकल एसईओ को हम ऑन साइट एसईओ भी कहते हैं और ऑफ पेज को हम लिंक बिल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है? चलें जी, जल्दी से मुझे आंसर करें कि कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ द एसईओ। ऑन पेज एसईओ किसे कहते हैं? कोई भी जिसको पहले से पता हो, ऑन पेज एसईओ इज अ कीवर्ड एंड आर्टिकल मेटा टैग्स, ओके। ऑन पेज मींस ऑप्टिमाइजेशन ऑन माय ऑन साइट, ओके। ऑन पेज अपनी वेबसाइट पे रहते हुए की जाती है, ओके। ऑन पेज इज डन इन कंटेंट, ओके। चलें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आज के लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, हम किसी एक होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे उसके पास डिफरेंट तरह के डिशेज हैं, ठीक है? उसकी हो सकता है 10 डिशेज हो, 20 डिशेज हो, 50 डिशेज हो। अब बेसिकली इस एग्जांपल को मैं फिर आपकी वेबसाइट के साथ रिलेट करूंगा, जब रिलेट करूंगा तो आपको चीजें बड़ी आसानी से समझ लग जाएंगी। चलें जी, उस रेस्टोरेंट की एक डिश है वाइट हांडी, फॉर एग्जाम्पल चिकन वाइट हांडी, ठीक है? अब वो होटल वाले क्या करते हैं कि वो अपनी चिकन वाइट हांडी को टेस्टी करने के लिए, यूजफुल बनाने के लिए, ज्यादा एंजॉयबल बनाने के लिए उसमें जो प्रोसेस करते हैं, जो मेहनत करते हैं कि उनकी ये जो वाइट हांडी वाली जो डिश है वो सबसे टेस्टी हो जाए, लजीज हो जाए, अब उसके कस्टमर को पसंद आए, तो ये बेसिकली क्या है? ऑन पेज एसईओ, ठीक है? बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर, अब देखें एक होटल जो है ना वो क्या है? एक वेबसाइट है। एग्जाम्पल हम रिलेट करते जाते हैं, इस एग्जाम्पल में जो होटल है वो बेसिकली क्या है? मेरी वेबसाइट है। इसकी जो डिशेज है ना वो क्या है? बेसिकली मेरे पेजेस हैं, वेब पेजेस। अब एक वेबसाइट एक होटल है, मेरी वेबसाइट में एक पेज भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 50 पेज भी हो सकते हैं। अब ये क्या है? ये डिशेज हैं उस होटल के अंदर। अब अगर उस होटल वाला एक डिश को बेहतर बनाता है, एक डिश को, उस डिश को बेहतर बनाने के लिए वो जो कुछ भी करता है वो सारे का सारा किस चीज में आएगा? ऑन पेज एसईओ। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं इस चीज को? अब अगर वही होटल वाला
अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दें, अगर आपने किसी रेस्टोरेंट में जाना हो तो क्या क्या चीजें आप देखते हैं? आपके पास कोई गेस्ट आए, आप किसी रेस्टोरेंट में लेकर जाना चाहते हैं, तो उससे अपने दोस्त को रेस्टोरेंट में लेकर जाने के लिए आप किन चीजों का ख्याल रखेंगे? ओके, हाइजेनिक होना चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए। चलें जी, लिखते हैं जी, लिखते हैं ताकि आपके लिए चीजें समझना आसान हो जाए। हाइजेनिक होना चाहिए, एनवायरनमेंट देखेंगे जी, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे जी, सीटिंग स्पेस हम देखेंगे जी, फूड क्वालिटी देखेंगे जी, स्टाफ देखेंगे जी, सर्विस देखेंगे, ठीक है, टेस्ट देखेंगे। देखें यही पांच सात चीजें हैं ना, अगर ये किसी भी होटल में अगर आपको अच्छी फूड मिल रही है, अच्छा स्टाफ मिल रहा है, अच्छी सिटिंग कैपेसिटी मिल रही है, अच्छी क्रॉकरी मिल रही है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो आप कहेंगे यार ये होटल सबसे अच्छा है। यही चीज होती है ना। अब इसको मैं रिलेट करता हूँ एसईओ के साथ, थोड़ा सा वेट कर। अब उस होटल की जो मैनेज है ना, उस होटल की जो मैनेजमेंट है, डिशेस से हटके ओवरऑल होटल सेटिंग, ये बेसिकली क्या है, मेरी वेब कंप्लीट वेब सेटिंग, इसको मैं कहता हूं ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ भी इसे कहते हैं। यानी कि उस होटल में सिटिंग स्पेस कैसी है, उसके क्रॉकरी कैसी है, उसके स्टाफ कैसा है, उसके बाकी की चीजें कैसी हैं, इन्वायरमेंट कैसा है, उसमें स्मेल तो नहीं आ रही कहीं साइड वाले इलाकों से या कोई और इशू। अगर ये चीजें ठीक है तो वो बेसिकली क्या है, होटल की ओवरऑल सेटिंग, ठीक है, होटल का ओवरऑल एनवायरनमेंट है। अगर वो ठीक है तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली हम किस चीज की बात कर रहे हैं, वेबसाइट सेटिंग की, कंप्लीट वेबसाइट सेटिंग की, और ये क्या कहलाती है, ऑन साइट एसईओ। फिर उसके बाद हम कहलाते हैं पीआर कह लें या मार्केटिंग कह लें, कि बेसिकली इस होटल की पीआर कैसी है, इसकी मार्केटिंग कैसी है, इसको हम कहते हैं कि वेबसाइट बैकलिंक्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। थोड़ा सा मैं चीजों को दोबारा आपको ओवरव्यू देकर क्लियर करता हूँ। मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, वो रेस्टोरेंट वाले किसी एक चीज को अच्छा बनाते हैं, किसी एक अपनी डिश को बेहतर बनाते हैं, उसको टेस्टी बनाते हैं, उसमें जो भी वो लवाजमात डालते हैं उसमें यूज करते हैं, उससे उनकी डिश टेस्टी हो जाती है। तो वो जो भी प्रोसेस उसने अपनी डिश को बेहतर बनाने के लिए किया ना, वो बेसिकली ऑन पेज एसईओ है। जो वहां पे डिश है ना, वो वेबसाइट में क्या चीज है, वो वेबसाइट में मेरा एक पेज है, वो कोई भी पेज हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गूगल में सर्च कर रहा हूँ ना, एडवांटेजेस, सॉरी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, ऑफ इंटरनेट। अब जब मैंने ये चीज सर्च किया ना, तो इसमें जो भी ये मेरा पेज आ गया ना, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पेज टॉप पर आ गया। अब इस पेज को बेहतर बनाने के लिए, इस पेज को जो भी मैं काम करूंगा वो क्या कहलाएगा, ऑन पेज एसईओ। अब इस पेज को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अच्छे टाइटल लिखूंगा, अच्छा कंटेंट लिखूंगा, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाऊंगा, इसमें हेडिंग्स बनाऊंगा, इसमें कंटेंट को थोड़ा सा इस तरह से करूंगा कि यूजर्स को पसंद आए, इसमें फिर मैं इमेजेस यूज करूंगा, इसमें मैं फिर रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दूंगा, फैक्ट्स दे दिए, फिर इसमें मैं क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करूंगा, कंक्लूजन भी दूंगा। ये सारी की सारी क्या चीजें हैं, ये सारे का सारा वो काम है जो इस पेज को मैं बेहतर बनाने के लिए कर रहा हूँ, यही काम है ना। अब मैं अगर इसमें कंटेंट अच्छा डाल रहा हूँ तो इससे क्या पूरी वेबसाइट बेहतर हो रही है, नहीं, इससे सिर्फ एक पर्टिकुलर पेज बेहतर हो रहा है। अब ये जो काम किसी एक पेज के ऊपर किया जाता है, इसे कहते हैं ऑन पेज एसईओ। बेसिकली एसईओ को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है एक्सपर्ट्स ने, एक कहते हैं ऑन पेज एसईओ, एक कहते हैं टेक्निकल एसईओ, एक कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ की आपको समझ लग गई है बेसिकली, कि अगर आपने किसी एक पेज को बेहतर बनाने के लिए जो भी काम करना है वो ऑन पेज एसईओ है। जैसे होटल वाला अपनी किसी एक डिश को बेहतर बनाने के लिए अपनी एक पर्टिकुलर डिश के ऊपर जो भी प्रोसेस करता है ताकि वो टेस्टी हो जाए, उसको ऑन पेज एसईओ कहते हैं।
ये जिस समय लग गई आपको, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर उसी तरह अगर हम बेसिकली अब होटल में गए तो क्या होटल में खाना टेस्टी होना इनफ है? नहीं, हम ये देखेंगे क्या वहां पे भाई सिटिंग कैपेसिटी भी है। खाना तो बहुत टेस्टी है लेकिन जाएं एक एक घंटा आपको चेयर ना मिले तो आप वहां पर जाना पसंद नहीं करते। ओके जी, फिर हम ये देखेंगे कि यार खाना तो चाहे टेस्टी है लेकिन बर्तन नहीं इनके साफ होते, तो भी हम जाना पसंद नहीं करेंगे। यार खाना तो टेस्टी है लेकिन यहाँ पे फूड हमें 1.5 घंटे के बाद मिलती है, इतना वेट नहीं कर सकते, तब भी हम नहीं जाएंगे। यार खाना तो टेस्टी है लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है ना वो बड़ा बदतमीज है, स्टाफ कोऑपरेटिव नहीं है, बात नहीं सुनते, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, इनकी क्रॉकरी अच्छी नहीं है, इनके होटल की साइडों से स्मेल आती है, तो आप वहां पे खाना पसंद नहीं करेंगे। ये बात मेरी फॉलो कर रहे हैं ना? तो इसका ये मतलब है कि कोई भी डिश या कोई भी खाना एंजॉय करने के लिए सिर्फ उस डिश का टेस्टी होना काफी नहीं। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं या नहीं? इसी तरह अगर मैं किसी एक पेज को अच्छा बना लेता हूं अपनी वेबसाइट में, इस एक पेज को, तो ये काफी नहीं है मेरी एसईओ के लिए, मेरी वेबसाइट के रैंकिंग के लिए। मुझे ओवरऑल चीजें भी देखनी पड़ेंगी, इसका स्टाइल ठीक है, डिजाइन ठीक है, इसकी वेबसाइट की स्पीड ठीक है, वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, रिस्पॉन्सिव है या नहीं, मुझे बहुत सारी चीजें चेक करनी है। अगर वो सारी चीजें ठीक होंगी तो ही मैं इस पेज का बेनिफिट ले सकता हूँ ना। अगर फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट लोड ही बहुत लेट होती हो तो मुझे इसका क्या फायदा? इस कंटेंट का मुझे तब फायदा होगा ना जब ये वेबसाइट सही से लोड होती है। ये वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल ये पेज 2 सेकंड में लोड हो जाना चाहिए लेकिन ये पेज लोड हो रहा है 20 सेकंड में जाकर, ये पेज लोड हो रहा है 20 सेकंड में जाकर। अगर एक पेज 20 सेकंड में या 30 सेकंड में जाके ओपन हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आई वुड नॉट वेट दैट इनफ, आई विल स्विच ऑफ और मैं किसी दूसरी वेबसाइट पर स्विच कर जाऊंगा। ठीक है, सेम इसी तरह अगर एक खाने को फॉर एग्जांपल आधे घंटे में आ जाना चाहिए, वो होटल वाला 1.5 घंटे या 2 घंटे में आपको देता है कि जी रश ज्यादा है, तो आप वहां पर जाना पसंद नहीं करेंगे। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो इस SEO को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को टेक्निकल SEO। अब मैंने अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए, SEO करने के लिए उसको मोबाइल फ्रेंडली बनाया, यानी कि वो मोबाइल फोन पर भी चले, मैंने उसकी स्पीड ऑप्टिमाइज कर दी, यानी कि फौरन खुले, फौरन एक एक दो दो मिनट ना लगाने पड़े, मैंने उसे रिस्पॉन्सिव बनाया, मैंने उसमें बहुत सारे काम किए, मैंने उसे इस काबिल बनाया कि गूगल भी उसे पढ़ सके, कहीं ऐसा तो नहीं है ये मैंने टेक्स्ट सारा लिखा और इमेज के शक्ल में बनाकर यहाँ पे इमेज ही डाल दी, यूजर तो पढ़ लेगा लेकिन गूगल नहीं पढ़ सकेगा, गूगल के लिए मसला हो जाएगा, इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम होगा, क्रॉलिंग में प्रॉब्लम होगा, तो ये सारी चीजें मुझे देखनी होती है। अब जो ऐसा काम मैं पूरे होटल के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना आप एक होटल में जाएं, आप कहें जी मुझे चिकन कढ़ाई खानी है तो आपको अलग किस्म की चेयर मिलेंगी, अगर आप कहें मुझे मटन कढ़ाई खानी है तो आपको अलग तरह की चेयर मिलेंगी, ऐसा तो नहीं होता ना, होटल की मैनेजमेंट तो वही होती है ना। तो जो आपने डिश को बेहतर बनाने के लिए काम किया ना वो तो है एक सिंगल डिश के ऊपर काम किया, वो हर डिश के ऊपर प्रोसेस अलग अलग होगा, तो उसको ऑन पेज कहते हैं, यानी कि हर पेज की SEO अलग अलग होगी, लेकिन जो ओवरऑल ओवरऑल आपने वेबसाइट का सेटिंग करनी है, ओवरऑल वेबसाइट की, वो बेसिकली क्या होगा, ऑन पेज होगा, ऑन साइट होगा। जैसे ओवरऑल मैंने होटल की सेटिंग करनी है फॉर एग्जाम्पल, अब होटल की जो सीटिंग होगी वो भाई हर डिश के लिए वही होगी, अब अगर मैं चिकन कोई खाने आए या कोई मटन खाने आए उसका सीटिंग अरेंजमेंट तो नहीं ना चेंज करूंगा, या ऐसा तो नहीं करूंगा भाई जो चिकन खाने आएगा उन्हें अच्छी चेयर्स दूंगा, जो मटन खाने आएगा उनको नॉर्मल वाली चेयर मिलेंगी, या जो चिकन खाने आएगा उनको अच्छा स्टाफ ट्रीट करेगा, जो मटन खाने आएगा उन्हें हमारा बदतमीज स्टाफ ट्रीट करेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। अब ये जो सीटिंग कैपेसिटी है, क्रॉकरी वाला इशू है या स्टाफ वाला इशू है, ये पूरे के पूरे होटल पर डिप्लॉय होगा, वो किसी एक डिश पर नहीं होगा, पूरे होटल पर डिप्लॉय होगा। इसी तरह वेबसाइट की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी एक पेज पर डिप्लॉय नहीं होंगी, पूरी की पूरी वेबसाइट पर डिप्लॉय होंगी,
जैसे मोबाइल फ्रेंडली, अगर मैं मोबाइल फ्रेंडली बना रहा हूँ तो मैं तमाम पेजेस को मोबाइल फ्रेंडली बनाऊंगा। स्पीड ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ तो पूरी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। डिजाइन अगर बना रहा हूँ, हेडर फोटर जो भी है बॉडी, वो तमाम वेबसाइट का कलर स्कीम वैसे ही रहेगी। अगर मैं क्रॉलेबल बना रहा हूँ वेबसाइट, तो अपनी पूरी वेबसाइट क्रॉलेबल बना रहा हूँ। इसी तरह अगर वेबसाइट में कोई इश्यूज आ रहे हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पूरी वेबसाइट में ही चलेंगे वो। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? अगर मैं किसी एक पेज को बेहतर बनाने के लिए काम करूंगा तो ऑन पेज, अगर मैं पूरी वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए काम करूंगा तो उसे ऑन साइट एसईओ कहते हैं, उसे टेक्निकल एसईओ भी कहते हैं। समझ आ गई ये चीज? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है ना? बड़ा इजीली एग्जांपल देकर मैंने आपको समझा दिया कि भाई आप किसी होटल में जाएं, वो अपनी एक डिश को सबसे बेहतर बना लेता है तो वो उसकी ऑन पेज एसईओ है। अगर वो पूरे होटल को बेहतर बनाना चाहता है तो वो फिर डिश के ऊपर सिर्फ काम नहीं करेगा, डिश के ऊपर तो करना ही करना है, तो उसके साथ वो सिटिंग अरेंजमेंट भी करेगा, कुछ स्टाफ भी रखेगा, कुछ क्रॉकरी भी रखेगा, कुछ डीलिंग भी करेगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ये सारे के सारे टेक्निकल एसईओ। समझ लग गई ये चीज? इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, अब ये काम तो हो गया उसका होटल का, होटल के अंदर का। अब ऑन पेज या टेक्निकल एसईओ कब अप्लाई होगी? जब एक कस्टमर उसके पास आ जाएगा। अब एक कस्टमर होटल में गया तब उसके ऊपर ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ लगेगी ना, उससे पहले तो नहीं लगेगी। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना? हाँ, उससे पहले एक और चीज अप्लाई करेगी जो उसे उस होटल तक लेकर जाएगी, वो क्या है? मार्केटिंग, पीआर। ठीक है, हम एक नया होटल खुलता है, उसकी बड़ी मार्केटिंग हो रही है, आप कहते हैं यार इसकी बड़ी मार्केटिंग हो रही है, बड़ा नाम सुन रहे हैं, चलो देखते हैं ऐसे ये कैसा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? या आप पीआर की बेस पे, आपका कोई जानने वाला, उसने रिकमेंड कर दिया यार ये जो नया होटल खुला है ना, ये बड़ा टेस्टी है, मजे का है, मैंने इंजॉय किया है, आप भी जाएं। हम कहते हैं यार वो दोस्त ने कहा था इसका खाना बड़ा टेस्टी है, हम भी जाके इंजॉय करते हैं। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना? तो ये सारी क्या होती है? मार्केटिंग या पीआर। या हमारे किसी दोस्त का रेस्टोरेंट, हम कहते हैं यार वो अपने दोस्त के ये चलें चलते हैं, जरा अच्छा खाना बना देगा, अच्छी डील कर लेगा। ये सारी क्या होती है? पीआर होती है, मार्केटिंग होती है। सेम इसी तरह वेबसाइट में भी मार्केटिंग होती है, पीआर होती है, लेकिन उस वेबसाइट को हम कहते हैं लिंक बिल्डिंग। जब हम अपनी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरे की वेबसाइट में दे देते हैं, यानी कि कोई दूसरी वेबसाइट अपने यूजर को रिकमेंड कर रहे हैं भाई आप इस वेबसाइट पे भी जाएं। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? जैसे ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। अब अगर कोई बंदा अपनी वेबसाइट में ये वाला लिंक डाल दे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट के ऊपर, अब वो बंदा हो सकता है कोई आईओटी की चीजें दे रहा हो, और आईओटी की चीजों में उन्होंने कहा कि भाई दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट, और एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट के पीछे उसने हमारी वेबसाइट का लिंक लगा दिया। अब ये क्या हो गया? मेरी वेबसाइट को एक बैक लिंक मिल गया। ये पूरा चैप्टर है बैक लिंक का, हमने अलग से पढ़ना है इन डिटेल। ओके, तकरीबन 5-6 लेक्चर होंगे, नहीं इससे भी ज्यादा होंगे लेक्चर बैक लिंक के ऊपर। तो बेसिकली क्या होगा, अब वो ऐसे कस्टमर जो उसके पास आ रहे हैं ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, अब वो कह रहा है भाई ये एडवांटेजेस है इंटरनेट का, और उसे वो लिंक कर रहा है मेरे आर्टिकल के साथ, ताकि अगर उसने कोई बाकी के एडवांटेजेस भी पढ़ने हैं तो वो यहाँ आकर पढ़ सकता है। समझ लग रही है? ये है बैक लिंक। ठीक है, अब बैक लिंक कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते, ये एक लंबी डिटेल है जो हम बाद में इसे पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस फील हो गया कि ऑन पेज क्या है, टेक्निकल क्या है, ऑफ पेज क्या है। अगर आप अपनी वेबसाइट के किसी एक पेज के ऊपर कोई भी काम अप्लाई करें, कोई भी प्रोसेस अप्लाई करें, तो वो क्या है? ऑन पेज एसईओ। अगर कोई ऐसा काम है जो आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर डिप्लाई हो रहा है, तो वो क्या है? ऑन साइट एसईओ। अगर कोई ऐसा काम जो आप अपनी वेबसाइट के रैंकिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी वेबसाइट के अंदर नहीं कर रहे, आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए कर रहे हैं लेकिन आप अपनी वेबसाइट के अंदर नहीं कर रहे, यानी कि वो किसी और की वेबसाइट के ऊपर डिप्लाई करना है, तो उसे कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। समझ लग गई? क्लियर हो गई ये बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कंफ्यूजन है तो आप पूछ ले, मैं कोई और एग्जांपल देके भी समझा सकते। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ऑन पेज, अपने ही किसी एक पेज के ऊपर अगर कोई काम करूंगा तो वो ऑन पेज एसईओ है। अगर कोई ऐसा काम है जो पूरी वेबसाइट के ऊपर डिप्लाई होना है, जैसे स्पीड है, डिजाइन है, रिस्पॉन्सिवनेस है, मोबाइल फ्रेंडली है, क्रॉलेबल है, ये पूरी की पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ,
अब जो काम मैं पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करूंगा ना, वो ऑन साइट एसईओ कहलाएगा। और ऐसा काम जो मैं अपनी वेबसाइट पे नहीं कर रहा लेकिन बेनिफिट मैंने अपनी वेबसाइट के लिए लेना है, वो क्या कहलाएगा? लिंक बिल्डिंग। अब जैसे मार्केटिंग है, कहीं ऐसा होगा कि मैं अपनी अपनी शॉप के सामने ही मार्केटिंग करता रहूं? भाई मेरी शॉप के सामने तो जो आगे से तो मेरी शॉप नजर आ जाएगी, मैं तो मार्केटिंग वहां करूंगा जहां पे मेरी शॉप नजर नहीं आ रही, ताकि जो लोग मेरी शॉप के सामने नहीं आए उन्हें भी पता चल जाए भाई ये एक शॉप है, ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे जाकर हमें ये चीज मिल जाएगी। ये मार्केटिंग होती है। जैसे मेरा ऑफिस यहाँ पे है तो मे भी मैं अपने सिटी में कहीं और जाके अपने ऑफिस के मार्केट कर रहा, कोई बिल बोर्ड लगा रहा, ये किसी भी तरीके से, ये बेसिकली मार्केटिंग होती है ताकि कस्टमर मेरी तरफ आए। सेम इसी तरह हम अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग कर रहे होते हैं इन टर्म ऑफ लिंक बिल्डिंग, कि मैं अपनी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरे की वेबसाइट में दे रहा हूँ, ताकि अगर कोई उसके पास जो ट्रैफिक जाए उस वेबसाइट के पास, वो वहां से मेरी वेबसाइट के अंदर रीडायरेक्ट होकर आए, क्लिक करके मेरी वेबसाइट की तरफ मूव कर जाए। इसे लिंक बिल्डिंग कहते हैं। अगर कोई भी बंदा, जैसे मैं देखता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लिंक लगा दूँ ह्यूमन कंप्रिहेंशन के ऊपर किसी ह्यूमन रिलेटेड वेबसाइट का, या यहाँ पर मैं एक कम्युनिकेशन के नीचे अगर मैं एक लिंक लगा दूँ किसी ऐसी वेबसाइट का जो कम्युनिकेशन सिखाते हैं कि हाउ टू बी अ बेस्ट कम्युनिकेटर, तो मैं उसका लिंक लगा दूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये उसे एक बैक लिंक मिल जाएगा। या अगर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन या इंटरनेट कम्युनिकेशन के ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है उसका मैं लिंक लगा दूं तो ये उस वेबसाइट को बैक लिंक मिल जाएगा। ठीक हो गया? आवाज आ रही है अब आप लोगों को? किसी को भी नहीं आ रही आवाज? अभी भी कट रही है जी। कैम मैंने खुद ऑफ किया है ताकि स्पीड थोड़ी सी बेहतर हो जाए, अगर स्पीड का कोई इश्यू है तो। आज ऐसे इंटरनेट सुबह से ही तंग कर रहा है। अब देखें, अब आवाज आ रही है। अभी हमने बेसिकली ऑन पेज, ऑन साइट और ऑफ पेज एसईओ को देख लिया है कि ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, आपको बेसिक आइडिया हो चुका है। अभी हमने ऑन पेज एसईओ का एक कंप्लीट अलग से पूरा चैप्टर पढ़ना है, जिसके ऊपर कोई तकरीबन हमारा 2 हफ्ते या 1.5 हफ्ते का लेक्चर होगा। फिर तकरीबन 4 या 5 लेक्चर टेक्निकल एसईओ के होंगे इन डिटेल। फिर हमारे ऑफ पेज एसईओ के लेक्चर होंगे, ये तकरीबन ये भी 2 से 3 हफ्ते ऑफ पेज एसईओ के लेक्चर चलते रहेंगे। जब ये तीनों लेक्चर्स हो जाएंगे उसके बाद फिर हम वेबसाइट हैंडलिंग ब्लॉगिंग की तरफ जाएंगे, कि बेसिकली अब हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं। ठीक है, वो फिर काफ़ी डिटेल में इंशाल्लाह चलते रहेंगे। अब हमने थोड़ी सी एक चीज़ देखनी है कि बेसिकली ये गूगल कुछ बेसिक टूल्स हैं जो अभी हम देखना चाहते हैं, जो आपको ज़रूरत पड़ेंगे। ठीक है, और कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। उनमें सबसे पहले तो एक हमें जो एक्सटेंशन चाहिए, गूगल सर्च काउंटर। ठीक है, अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब आपको वो बेसिक टूल या एक्सटेंशन बता रहा हूँ जो हमें कल के लेक्चर में ज़रूरत पड़ेगी। आज हम इनको इंस्टॉल कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, इसका काम कैसे चलता है ये देख लेते हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनको स्टडी कर लेते हैं, फिर कल के लेक्चर में हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके अपना काम करेंगे। देखें जी, सबसे पहले हमें चाहिए गूगल सर्च काउंटर। गूगल सर्च काउंटर का क्या मतलब होता है, देखें मुझे ये काउंट करना है, अब मुझे ये नहीं पता कि ये कौन से नंबर पर है ये पोजीशन, और मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसके सेटिंग में जाकर इसके जो रिजल्ट है ना वो 10 के बजाय 100 करूंगा। वो कहाँ से होती है यार इसके सेटिंग में,
अच्छा ये ना गूगल जब सर्च करेंगे ना तो, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ, देखिए मैं यहाँ सर्च करता हूँ एसईओ गाइड। अब ये मुझे क्या करता है, ये बेसिकली सिर्फ 10 रिजल्ट मुझे दिखाता है पहले पे, तो मैं चाहता हूँ 10 नहीं चाहिए, मैं 100 रिजल्ट देखना चाहता हूँ। ये एक सेटिंग का बटन बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक करें, सी ऑल सेटिंग पे जाएं, ये एक खुल जाएगा, ये देखें रिजल्ट पर पेज, यहाँ 10 के बजाय 100, ठीक है। यहाँ पे आप लोकेशन भी सेट कर सकते हैं, फिलहाल मैंने करंट रीजन, ये जो आप कोई मुझसे पूछ रहा था ना लोकेशन कैसे चेंज करें, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं रीजन सेटिंग से, ठीक है। मैंने अपना करंट रीजन ही फिलहाल रखा हुआ है, सेव कर देते हैं, जैसे आई एम नॉट अर अबाउट ब्रिज की तस्वीरें, वो कहते हैं जिस सिलेक्ट कर रहे हैं वेरीफाई। अब देखें पहले मुझे एक रिजल्ट आ रहा था ना, आप देखें कितने सारे रिजल्ट आ गए की पेज पर, 100 रिजल्ट शो हो रहे हैं। ये आपका सबसे पहला काम है सेटिंग के लिए, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ लिखता भी रहता हूँ ताकि आप लोगों को समझ लग जाए, गूगल सर्च इंजन सेटिंग फॉर नीचले सर्च, ठीक है। सबसे पहला काम स्टेप वन चेंज सेटिंग टू शो रिजल्ट्स, शो 100 पेज रिजल्ट्स पर पेज, ठीक है। पहला काम हमने ये करना है, दूसरा काम हमने करना है कि इंस्टॉल गूगल सर्व काउंटर, ठीक है जी। आ जाए अब हम गूगल सर्व काउंटर करते हैं इंस्टॉल, अगेन उसी तरह हम गूगल पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे गूगल सर्व काउंटर एक्सटेंशन, सिंपल ये करना है। सबसे टॉप पर एक MST का सर्व काउंटर आ जाता है, हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसी तरह क्रोम एक्सटेंशन में चले जाएंगे, ये चीज़ हमारे सामने आ गई, ऐड टू क्रोम पर क्लिक करेंगे, जैसे ऐड टू क्रोम पे करेंगे ऐड एक्सटेंशन वो कहेगा, ऐड एक्सटेंशन में करके, अच्छा इसको सिंक्रोनाइज ना करें, फिर ये देखें ये एक छोटा सा आइकॉन होता है, इस पर क्लिक करके इसको पिन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ही दोबारा हम कोई चीज़ सर्च करते हैं SEO गाइड, अब जब देखें हम SEO गाइड सर्च करते हैं तो इसके साथ ये देखें, अब ये काउंटर भी आ रहा है, पहले ये चीज़ नहीं आ रही थी, ये चीज़ समझ लग रही है ना आपको, पहले ये काउंटर वाली चीज आपको नजर नहीं आ रही थी, अब ये देखें इसके साथ काउंटर भी आ रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट यहाँ पे है, ये वाली देखनी है फॉर एग्जांपल woocommerce.com, अब मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है कि ये मैं किस लेवल पे खड़ा हूँ, या लर्निंग SEO SEO गाइड में किस नंबर पर है, तो यहाँ पे मुझे ये काउंटर खुद बता रहा है कि दिस इज एट पोजिशन 56, ये मेरे लिए जिंदगी आसान कर देती है, बस यानी कि क्विकली मुझे पता चल जाता है कि ये किस स्टेज के ऊपर खड़ी हुई है, किस नंबर पर ये वेबसाइट खड़ी हुई है, ठीक हो गया, समझ लग गई ये चीज। अब बेसिकली हमने गूगल सर्व काउंटर भी कर लिया, उसके बाद हम इंस्टॉल करते हैं एक और एक्सटेंशन SEO क्विक, ठीक है। ओके जी, यहाँ लिखते हैं SEO क्विक एक्सटेंशन, यहाँ पे अगेन उसी तरह chrome.google.com एक SEO क्विक की एक्सटेंशन खुल जाती है, इस पर हम क्लिक करते हैं, सेम उसी तरह यहाँ भी ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना है, ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे ऐड एक्सटेंशन, ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो गई, जैसे इंस्टॉल होगी तो इस आइकॉन पर क्लिक करें और इसको भी पिन कर लें, ये चीज आ गई। अब एक और हम देखते हैं कि इसका हमें कोई डाटा नजर आता है या नहीं, SEO गाइड ही दोबारा सर्च करते हैं, देखते हैं कि इससे हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई है या नहीं हुई, हमने ये चीजें देखा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अच्छा एक ये चीज ना, अब ये चीज आप देख सकते हैं कि पहले हमें सिर्फ ये URL टाइटल और डिस्क्रिप्शन नजर आते थे, फिर हमने सर्व काउंटर इंस्टॉल किया तो ये काउंटिंग भी नजर आने लग गई, फिर हमने जब SEO क्विक इंस्टॉल किया तो फिर हमें और इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा ना लार्ज करता हूँ आपकी आसानी के लिए, इसको देखते हैं
फ्रॉम टू एक्सपोर्ट, शो दिस पेज, लोकेशन चेंज की जा सकती है। अच्छा चलें, कोई नहीं, इसको अब देखें। अब इसके इंस्टॉल करने से क्या हुआ, हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, ये देखें ये वाले, ठीक है। अब ये हमें सारी इंफॉर्मेशन यूजफुल है, ये हम यूज करेंगे इसको, और ये कहाँ से मिल रही है, एसईओ क्विक की वजह से मिल रही है, ठीक है। या अगर मैंने किसी पर्टिकुलर पेज जैसे moz.com है, इसकी डिटेल देखनी है इस पर्टिकुलर पेज की, तो वो भी एसईओ क्विक, ये देखें ये मुझे यहाँ पे बता रहा है, फॉर क्विक इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि भाई गूगल में कितने पेजेस इसके इंडेक्स हुए हुए हैं, इसका समरश का बैकलिंक कितने हैं, समरश का जो सब डोमेन्स हैं वो कितनी है, बिंग में कितनी है, फेसबुक के ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा तो इसकी मजीद डिटेल खुल जाएगी, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, पैनिक नहीं करना, मैं जस्ट आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि पैरामीटर्स क्या है इसके, बैक लिंक्स। अब इसके साथ आप सेमरश को कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, सेमरश का फ्री अकाउंट इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, ये सारी चीजें। अब अगर इसी तरह इसकी डिटेल लेनी है, इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह, ये सारी इस पर्टिकुलर पेज की डिटेल ओपन हो जाती है, फिर डायग्नोस्टिक्स, ये सारा ये ऑडिट में हमारा यूज होगा, ये हम देखेंगे इन फ्यूचर। तो बेसिकली हमने एसईओ क्विक भी इंस्टॉल कर ली, फिर हम इंस्टॉल करेंगे मोस बार, ठीक है। उसके लिए भी हम यहाँ पे जाएंगे, गूगल में लिखेंगे मोस बार एक्सटेंशन, मोस बार एक्सटेंशन लिखेंगे तो अगेन ये chrome.google.com टॉप पर आ जाएगी। तो यहाँ पर फिर हम जाकर उसी तरह एड टू क्रोम पर क्लिक कर लेंगे, एड एक्सटेंशन आ जाएंगी, सेम उसी तरह यहाँ पे क्लिक करें, इसको पिन कर लें। अब यहाँ पर ये ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, यहाँ पर हम दोबारा उसी तरह एसईओ गाइड सर्च करते हैं, देखते हैं जी मोज बार का हमें कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसने हमें देना शुरू की या नहीं देना शुरू की। लेट्स सी, अच्छा जी ये अब कह रहा है कि जैसे कुकीज ऐड करें, ठीक है, या साइन इन करें, ठीक है, ये हम कल देख लेंगे इसको ना, इसकी वजह से ये कुकीज अगर ये ना चल रहा हो ना, तो यहाँ से ये वाली कुकीज कॉपी करनी है, कॉपी, और उसके सेटिंग्स में जाकर थर्ड पार्टी कुकीज में हम जाते हैं, इसमें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे होगा कुकीज एंड अदर साइड डाटा, यहाँ पर ऐड कुकीज, यहाँ पर हमने इसको ऐड करना है, स्पेस अगर होगी तो ये एरर दे देगा, तो स्पेसेस आपने नहीं करनी, इंक्लूड थर्ड पार्टी कुकीज ऑन दिस वेबसाइट, ऐड कर दें, ये ऐड होगी कुकीज। अब हम इसको कर देते हैं रिफ्रेश, ये लीजिए, चलें जी, इसका ये मतलब है, वो कहता है जी आप नया ब्राउजर ऑन ऑफ करें, ये हमसे साइन इन भी करवाना चाहेगा। चलें ये हम, मैं कल अपना अकाउंट इसमें साइन इन करूंगा तो ये चीज यहाँ पे ये बार डाटा देना शुरू कर देगी। उसके अलावा एक और चीज मुझे अभी इंस्टॉल आपसे करवानी है, वो है जी ऊबर सजेस्ट एक्सटेंशन, ऊबर सजेस्ट एक्सटेंशन, ऊबर सजेस्ट भी यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ऐड एक्सटेंशन, जो भी हो गई इसको भी हम पर यहाँ पे। अब अगर हम एसईओ गाइड ही सर्च करते हैं तो देखते हैं ये हमें डाटा देना शुरू हुई है या नहीं। ये देखें ये अब ऊपर से जस्ट हो गया, तो ये शो वॉल्यूम अभी लॉग इन नहीं है, अब ये ऊबर से जस्ट से डाटा आ रहा है ये वाला, ठीक है। हम ना फिलहाल मोज बार को ऑफ कर देते हैं, मोज बार को बाद में देखते हैं। ये देखें जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ
तो ये मुझे बता देता है मंथली सर्च वाले में। इसका बेहतरीन हल ये है कि जब मैं आपको ऊपर सजेस्ट दूंगा ना कल के लेक्चर में, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, तो फिर हम ऊपर सजेस्ट को इसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है, एज ए प्रो यूजर। जब अटैच कर देंगे तो फिर सही डाटा आएगा। फिलहाल आपने सिर्फ एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। फिर कीवर्ड एवरीवेयर आपने कर रखे ऑलरेडी, फिर कीवर्ड सर्वर, ठीक है, कीवर्ड सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। ये कीवर्ड सर्वर आपने तब इंस्टॉल करने है जब आपके पास कीवर्ड एवरीवेयर नहीं है। अगर जैसे आप पेड स्टूडेंट्स के पास सबके पास कीवर्ड एवरीवेयर है तो फिर कीवर्ड सर्वर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा जो YouTube से ये लेक्चर ले रहा है और उसके पास कीवर्ड एवरीवेयर नहीं है तो वो कीवर्ड सर्वर भी इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। इसको भी हम पिन कर लेते हैं। अब हम यहाँ से दोबारा सर्च करते हैं SEO गाइड, कीवर्ड एवरीवेयर को भी ऑन करते हैं। अब देखें यहाँ पे ना हमने बहुत सारे डिफरेंट टूल्स यूज किए हैं। कुछ टूल्स हमें यूज करने का फायदा होता है, कुछ का नहीं होता, वो अभी आपको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये थोड़ा सा आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अब देखें ये जो डाटा आ रहा है ना कि इसका 600 सर्च वॉल्यूम है, ये बाकी का जो भी डाटा है ये कहाँ से आ रहा है, ये कीवर्ड एवरीवेयर से आ रहा है। अब ये जो शो वॉल्यूम होता है ना, ये डाटा कहाँ से आता है, ये ऊबर सजेस्ट से आ रहा है। जब ये देखें मैं ऊबर सजेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये इसने ऊबर सजेस्ट का डाटा दे दिया। यहाँ पे कीवर्ड सर्फर का डाटा आएगा, ठीक है। ये मुख्तलिफ तरह का ये डाटा है, ये बेसिकली डिटेल आ रही है ऊबर सजेस्ट से, ठीक है। ये मैं आपको कल के लेक्चर में ना इन डिटेल जब मैं टूल्स आप लोगों को दे दूंगा ना तो उसको अटैच करके। अच्छा ये अब इसमें फर्क है, ये 1600 है, ये 480 है, क्योंकि ये जो डाटा आ रहा है ये US का है। ये देखें यहाँ से मैं चेंज करके इसके लोकेशन वर्ल्ड वाइड कर सकता हूँ। अच्छा अब ये फ्री वाला अकाउंट है ना तो इस वजह से ये नहीं हो रहा, इसको मैं फिलहाल हाइड भी कर सकता हूँ। अभी सिर्फ आपने ना जो मेन चीजें सीखने वाले ना वो इनको इंस्टॉल करना है बस, आप और कुछ भी नहीं करना। फिर कल मैं आपको इसका ना यूज करके प्रैक्टिकल करके फिर दिखाऊंगा। इंस्टॉल SEO क्विक इंस्टॉल ऊबर सजेस्ट एक्सटेंशन इंस्टॉल कीवर्ड एवरीवेयर इंस्टॉल कीवर्ड सर्वर। बेसिकली ये 8 स्टेप आपने अभी फॉलो कर लेने हैं, ठीक है। और पेड स्टूडेंट्स ने जोन से करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आपने जो करने हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं ये भी होते हैं। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना ये आपने करने हैं, बाकी ना कीजिएगा आप। अच्छा ये तो पहले भी लिख लिया, बस ये 5 स्टेप आप फॉलो कर लें। ये वाले जो माउस बार के भी हमें जरूरत नहीं है वो मैं बाद में आपको गाइड करूंगा। ये जो 2 है ना स्पेशली कीवर्ड सर्फर वगैरह, ये फ्री स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जिनके पास टूल्स नहीं है, आपने ये 5 स्टेप फॉलो कर लेने हैं तमाम पेड स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर कल हम इनको यूज करना सीखेंगे, इनके सेटिंग भी हम देखेंगे, SEO क्विक को हम समरश के साथ भी, हाँ बल्कि ये आप करें ये भी, मेक फ्री अकाउंट ऑन समरश एंड कनेक्ट दिस विद SEO क्विक, ठीक है। ये 6 स्टेप कर लें। आपने सबसे पहले अपने सर्च सेटिंग चेंज करके रिजल्ट 10 के बजाय 100 पे लेके जाने हैं, फिर गूगल सर्च काउंटर इंस्टॉल कर लें, फिर SEO क्विक को इंस्टॉल कर लें, फिर समरश पर जाकर आपने फ्री अकाउंट बनाना है, फ्री अकाउंट,
और उसको लॉग इन कर लेना है एसईओ केक में। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये देखें ये आ रहा है कनेक्ट सेमिनार। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कनेक्ट फ्री सेमिनार अकाउंट। अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। देखता हूँ मेरा अकाउंट बेसिकली इस दूसरे ब्राउजर में है तो इसमें नहीं उठा रहा डाटा ना। जब आपका अकाउंट बना होगा ना तो यहाँ अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, लॉग इन करेंगे, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। और जो डाटा आपका शो नहीं हो रहा अभी एसईओ में, जैसे ये डाटा, ये भी फिर सारे का सारा आपको विजिबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये अब आपने खुद बनाना है, एक्सपेरिमेंट करना है कल की क्लास से पहले पहले। फिर ऊबर सजेस्ट की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं आज रात को या कल की क्लास से पहले पहले ऊबर सजेस्ट की लॉगिन डिटेल भी आपको सेंड कर दूंगा, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। फिर कीवर्ड एवरीवेयर, वो ऑलरेडी आप में से तकरीबन 80-90% लोग ले चुके हैं, जिनको नहीं मिला वो आज रात मुझसे ले लो। ये सेटिंग कैसे चेंज होती है जी 10 से 100, जैसे ये आपने कोई भी चीज सर्च की ना तो ये देखें ये एक सेटिंग वाला आइकॉन बना हुआ, इस पर क्लिक करें या सी ऑल सेटिंग पर क्लिक कर दें। उसके बाद ये देखें ये सबसे ऊपर ही आता है सेव सर्च फिल्टर, ये सॉरी रिजल्ट पर पेज वाला, यहाँ 10 के बजाय 100 पे ले जाएं। ये देखें 10 शो करना है, 20 करना है, 30 करना है, 40 करना है, 50 करना है या 100 करना है, बस ये आपसे वो पूछ रहा है। यहीं पे रीजन की सेटिंग होती है कि किस रीजन के लिए आपने सेटिंग करनी है, ठीक है, यहाँ पे ये भी अवेलेबल है। तो ये आप बस 5-6 स्टेप इम्प्लीमेंट कर लें आज, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इन टूल्स को प्रैक्टिकली यूज करके नीचे रिसर्च को स्टडी करना शुरू कर देंगे। क्लियर हो गया, आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में, क्योंकि अब मेरे से भी नहीं पढ़ाया जा रहा आज से, तो बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही देखते हैं इसको। चलें जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, आई एम हेयर फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। सर कीवर्ड एवरीवेयर के रेफरेंस डोमेन वाला इशू बता दें। अच्छा जी देखते हैं जी हम। अच्छा एसईओ पेज को भी हम ऑफ कर दें फिलहाल, माउस को भी ऑफ कर दिया, ये भी ऑफ कर दिया, कीवर्ड सर्फर। अच्छा चलें, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, अगर फॉर एग्जांपल सर्च करते हैं यहाँ पे देखते हैं जी हम कीवर्ड एवरीवेयर का डाटा शो हो रहा है या नहीं। ये देखें जी, अब आपका ये देखें मोज ये भी आ रहा है यहाँ पर, रेफरिंग डोमेन्स भी लिखे आ रहे हैं 602। अब आपको क्या ये चीज नजर नहीं आ रही या क्या इशू है ये मुझे बताएं। मेरे पास तो नजर आ रहा है इसी कीवर्ड एवरीवेयर में, ये देखें सारा डाटा इसका डीए भी बता रहा है, मुझे लिंक प्रोपेंसिटी भी दिखा रहा है, डीए का ट्रेंड भी बता रहा है लास्ट 12 मंथ का, रेफरिंग डोमेन भी बता रहा है, स्पैम स्कोर भी बता रहा है, बैकलिंक्स भी बता रहा है। तो अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर इशू आ रहा है इससे हटके तो आप स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दें, ठीक है। फिर ये देखें ये डाटा भी मुझे ये आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये ऊबर सजेस्ट से आ रहा होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, डोमेन अथॉरिटी वगैरह। तो ये भी हम देखेंगे गूगल कैशे डाटा क्या एसईओ क्विक में, पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे अभी टूल्स नहीं मैंने पढ़ाए, कल पढ़ेंगे टूल्स। रीजन सर करंट ही रखना होता है, फिलहाल करंट ही रखें, जब चेंज करना होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आपने चेंज करना है। अभी हमने चूंकि वो कोई काम ऐसा किया नहीं है नीचे रिसर्च वगैरह के लिए, तो अभी रीजन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर फोर में भाई semrush.com पे जाएं, अपना अकाउंट बनाएं फ्री में और उसको एसईओ पेज में जाके लॉग इन कर, मैंने अभी खोल के दिखाया था एसईओ पेज, ठीक है, उसमें जाके लॉग इन करना जी। आज ही आ जाएगी ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर इंशाल्लाह, ठीक हो गया जी, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें जी, थैंक यू सो मच। बस अब आपने करना ये है, आज हमने जो चीज़ देखी ना, हमने सिर्फ ये देखा एसईओ क्या है, उसके तीन टाइप्स हैं। ऑन पेज एसईओ किसे कहते हैं कि
जो काम आपने अपनी पेज के ऊपर किसी एक सिंगल पेज पे अप्लाई करना है रैंकिंग के लिए उसे ऑन पेज एसईओ कहते हैं, जो आप ओवरऑल पूरी वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे उसे टेक्निकल एसईओ कहते हैं, जो आप किसी और दूसरे बंदे की वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे जिससे आपकी वेबसाइट को बेनिफिट हो रहा है उसे ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। उसकी एग्जाम्पल मैंने एक होटल से आपको दी। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि 6 डिफरेंट स्टेप आपने इम्प्लीमेंट करने हैं, जिसमें आपने 3-4 टूल इंस्टॉल करने हैं, जिसमें गूगल सर्व काउंटर है, एसईओ क्विक है और उबर सजेस्ट है और कीवर्ड एवरीवेयर। 4 टूल इंस्टॉल करने हैं और सेमरश को लिंक करना है एसईओ क्विक के साथ। बस ये काम आपने कल की क्लास से पहले पहले करके आना है, कल की क्लास से पहले पहले, ताकि जब मैं कल प्रैक्टिकली आपको ये करके बता रहा हूँ तो आपको चीजें समझ लग जाएं। ये आप इंस्टॉल भी कर लें और इसके साथ खेल भी लें थोड़ा सा। जब खेल लेंगे तो आई एम श्योर जब मैं ये चीजें बताऊंगा पढ़ाऊंगा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ समझना। ठीक हो गया जी? ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।